हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। आज के इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स की सर्टिफिकेट फ्री में ले सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैंने क्विज के आंसर भी बताए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वेबसाइट एक सर्टी प्रूफ का वेबसाइट है, जहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन का कोर्स की सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि 15 जनवरी तक आप इन कोर्सेज की सर्टिफिकेट फ्री में ले सकते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट एक पेड सर्टिफिकेट हो जाएगा, लेकिन 15 जनवरी से पहले आप इसके सर्टिफिकेट आसानी से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ई बुक का लिंक अपने कमेंट में दे दूंगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम। साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 70% लाने होंगे, उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करने पर साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन आप यहां पर देख सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके आप इसका एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 1 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आपको फिल करना होगा। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये सारी डिटेल फिल करना है, जैसे कि फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कंपनी में आपको स्कूल या कॉलेज का नेम टाइप करना है, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आप में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे में शो हो रहे हैं वो आपके में आगे पीछे शो होंगे। इसलिए आप जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, साथ ही उसके आंसर पढ़ने के बाद ही आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर आगे पीछे आते रहेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है, तभी आपको सेलेक्ट करना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप आंसर करेक्ट नहीं दे पाएंगे और आप फेल हो सकते हैं। साथ ही इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट दिया गया है। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा ऑप्शन दिया गया है इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए, उसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, बिना स्किप किए आपको देखना होगा। तो आप आराम से इस वीडियो को देखें।
तो हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिसका आंसर देने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट माय आंसर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मैंने 70% स्कोर कर लिया है, जो कि पासिंग मार्क्स हैं। तो आप इस तरीके से मेरे वीडियो देखकर 70% स्कोर कर सकते हैं, या अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस सर्टिफिकेट में आप मेरा नाम देख सकते हैं, साथ ही कोर्स का नाम भी देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन। और ये सर्टिफिकेट एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, जिसे आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी ऐड कर सकते हैं और अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी का अच्छा नॉलेज है तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को लेकर। और ऐसे और भी कोर्सेज और सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। कीप वॉचिंग सुनील टेक।